प्रिय छात्रों, झंडा सदा ऊंचा रहेगा, इसको आपने ध्यानपूर्वक सुना था। आइए अब उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि जो रचनाकार है वो हमसे क्या चाहते हैं। प्रिय छात्रों, भारत देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा, हमको ये बहुत प्रिय है, हम इसे कभी झुकने नहीं देंगे। रचनाकार झंडे के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं। आइए इसके दूसरे छंद को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये झंडा किसी भी परिस्थिति में हम इसको झुकने नहीं देंगे। चाहे भयंकर तूफान आए, चाहे बादल टूट पड़े, लेकिन हम इस झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। सदा ऊंचा रहेगा ये हमारा झंडा, भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। अगले छंद में छात्रों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीन रंग, केसरिया, सफेद और हरा रंग समाहित है। इन तीन रंगों का अपना महत्व है और इनके दार्शनिक माने भी निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माताओं ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत सोच समझकर इन तीन रंगों को और अशोक चक्र का उपयोग किया है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तिरंगे में मौजूद सफेद रंग सच्चाई और शांति और पवित्रता की निशानी है। वहीं पर तिरंगे में तीसरा यानी हरा रंग संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश का गौरव और प्रतीक बनाते हैं और भाईचारे का संदेश, साथ ही साथ जीवन को लेकर ज्ञान भी देते हैं। तो हम अपने ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे और इसका जो है हमारे यहाँ की जो बलिदान दिया है हमारे लोगों ने इस झंडे के लिए, तो उस बलिदान को हमेशा हम याद रखेंगे। और ये बलिदान जो है वो इतना हमारे लिए एक भारतवासियों के लिए एक दीप का काम करेगा और ये अंधियारों को दूर करेगा और सदा हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। यही एक पैगाम है हमारे भारतवासियों के लिए। भारतवासियों की सदियों का जो वीरों का जो बलिदान है, ये उसको उस पर गर्व करने का, उस पर फख्र करने का ये मौका है छात्रों। और इसी के साथ साथ रचनाकार की जो है एक गर्वपूर्ण कविता, झंडा सदा ऊंचा रहेगा, हम इसको कभी झुकने नहीं देंगे, यही इस प्रेरणा मिलती है हमको भारतवासियों के लिए। आप इत्मीनान से इसको घर पे जाइए और याद करें।